सबसे जान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए यूपीपीएससी एई का जो आपको एग्जाम होने वाला है उसमें जो हिंदी का सिलेबस है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रैक्टिस शीट लेकर आया हूँ। आइए देख लेते हैं प्रश्नों को। जितने प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, शुरू करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न आपका यहाँ पर वर्तनी संबंधी है, जिसमें दिया गया इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन है उपरोक्त, बी है उपर्युक्त, सी है उपरियुक्त और डी है उपरियुक्त। आपको बताएं इसमें से कौन सा शुद्ध है, तो आपको पता होना चाहिए उपरोक्त नहीं होता, उपरयुक्त। आपका बी आंसर जो है हमारा राइट है। अगले प्रश्न की बात करें, अवधार की तरह अगर व्यवहार शब्द में कौन सा शब्द ठीक है, मतलब अवधार की तरह हम व्यवहार को अगर लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे। ऑप्शन है व्यवहार्य, बी है व्यवहार्य, सी है व्यवहारी, डी है व्यवहारिक। तो अगर आप देखेंगे व्यव को किस तरह हम लिख सकते हैं, व्या। यहाँ पर औ के ऊपर देखिए दीर्घ मात्रा लगा है, तो यहाँ पर व्य के ऊपर दीर्घ मात्रा होगी व्या। बाकी आपका हार ये है या दार ये है, यहाँ पर हार ये, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगले प्रश्न की बात करें, मुख्य में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। ऑप्शन है अनंग, बी है परिहास, सी है व्यंग और डी है हास्य। तो अशुद्ध की बात कर रहा है तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी जो है अशुद्ध है, व्यंग नहीं तो व्यंग्य होता है, इस तरह लिखा जाए व्यंग्य, ये आपका राइट है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न आपका इनमें से शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन है उज्ज्वल, बी है उज्ज्वल, सी है उज्ज्वल या डी है उज्ज्वल। तो आपको बता दें सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं कौन सा प्रश्न, मतलब कौन सा ऑप्शन इसमें शुद्ध है। बहुत से बच्चों को लगता होगा ऑप्शन नंबर ए, लेकिन ये गलत है। ध्यान से आप देख लीजिए, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। इस तरह से उज्ज्वल लिखा जाता है, दो बार आधा जय रहेगा, इससे आप नोट कर लीजिए, नहीं तो आप फिर से गलत करके चले आएंगे। पांचवा प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। हालांकि एक ही पैटर्न पे सब प्रश्न है, लेकिन आपको आपके प्रैक्टिस नजरिए से ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अगर पूछा है तो यहाँ पर देखिए शुश्रूषा लिखा है, शुश्रूषा लिखा है, शुश्रूषा लिखा है, फिर श्रुशूषा। आपको पता है इसमें शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर जो ए है शुश्रूषा, यही आपका राइट आंसर है, बाकी तीनों ऑप्शन जो आपके हैं वह गलत हैं। अगले प्रश्न की बात करें, जिस रोग का ठीक होना असंभव है के लिए एक शब्द क्या होगा। वाक के लिए एक शब्द से प्रश्न जरूर आ गया, तो आपको पता ही होगा। तो ऑप्शन है आपका है संक्रामक, बी है असाध्य, सी है महामारी और डी है विकट। तो आपको बताना है जिस रोग का ठीक होना असंभव उसके लिए एक शब्द क्या होगा। आपको बता दें ऑप्शन नंबर आपका जो है बी, यही आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी असाध्य, सेम बोलेंगे बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की बात करें, यहाँ पर दिया गया है जिसमें संदेह ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन है संदिग्ध, बी है असंदिग्ध, सी है चिंतनी या डी है अचिंत्य। तो सिंपल सा प्रश्न, उत्तर आपको आना चाहिए, जिसका जिसमें संदेह ना हो उसको हम असंदिग्ध कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका, जिसे शीघ्र प्रश्न किया जा सकता हो के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए है दम्भी, बी है ज्ञानी, सी है आशुतोष, डी है प्रसन्ना। तो इसका उत्तर आपको आना चाहिए, जिसे शीघ्र प्रसन्न किया जा सके एक शब्द क्या होगा। आपको बताते हैं ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट है, आशुतोष, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, जो समाप्त हो गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए इतिश्री होगा, या फिर श्री गणेश होगा, या आदि होगा, या फिर इत्यादि होगा। तो इतिश्री ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। श्री गणेश तो जब शुरुआत करते हैं तो वहाँ पर करते हैं, वहाँ पर हम शब्द इस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इतिश्री आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, 10 से लेकर 14 तक जो प्रश्न है चार विकल्प दिए गए, उनमें से एक शब्द तत्सम है, उनको आपको चयन करना है। तो दसवां प्रश्न देखते हैं, इसमें आपको तत्सम चूज करना है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन है गेंद है, या फिर कदूक है, या फिर कंदूक है, या फिर कुंदक है, इसमें से आपको तत्सम बताना है, इसे आप ध्यान लीजिए। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी जो है कंदूक, यही आपका तत्सम है, बाकी तीनों आपके तद्भव हैं, या फिर आप कह सकते हैं गलत शब्द हैं। ग्यारहवां प्रश्न, आपको तत्सम बताना, ऑप्शन एक दिया गाय, या फिर गे, गौ, या फिर गैया। तो आपको बता दें इसमें से उत्तर आपका जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, सी आपका तत्सम है, ऑप्शन नंबर सी, बाकी आपके जो है वह तद्भव हैं, गौ आपका राइट आंसर होगा। बारह प्रश्न, आपको तत्सम बताना, ऑप्शन है घरणी, बी है गृहिणी, सी है गृहेड़ी और डी है गृहिणी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से आप देख के जाइएगा, इसमें जो आपका शुद्ध है आपको ध्यान से देखना है, गृहिणी होता है, गृहिणी नहीं होता,
ऑप्शन नंबर डी यही आपका तत्सम भी है और शुद्ध शब्द भी यही है। अगले प्रश्न यहाँ पर देखिए, तेरहवें में आपको तत्सम ही पकड़ना है। ऑप्शन है चंद्र, बी है चांद, सी है चंदा और डी है चंद्रमा। तो अगर आप बात करें इसमें तत्सम की तो ऑप्शन नंबर ए चंद्र आप राइट आंसर होगा, बाकी तीनों आपको जहाँ हुआ है तद्भव है। चौदहवें प्रश्न की बात करें देखेंगे अगर आप, इसमें आपको तत्सम बताया चितेरा है, चित्रकार है, चित्रकार है या चित्रकेर है। तो आपको तत्सम बताना है तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर जो आपका है ए वही आपका राइट आंसर है चितेरा, बाकी तीनों आपके वह तद्भव हैं। एक मैं आपको बता दूं एक बात, अगर आपको तत्सम तद्भव संबंध किसी प्रश्न में दिक्कत होता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आप जाकर इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होने वाली तत्सम तद्भव संबंधी किसी भी प्रश्न में। पंद्रह प्रश्न की बात करें, यहाँ पर देखिए सालों बाद उसका प्रवासी प्रति लौटा है, इस वाक्य में विशेषण है। ऑप्शन है सालों विशेषण है या फिर प्रवासी या पति या फिर ए व बी दोनों। तो आपको बता दें ए और बी आपको लग रहा है लेकिन नहीं, सिर्फ प्रवासी ऑप्शन नंबर बी ही इसमें विशेषण का कार्य है, बाकी तीन बाकी सभी ऑप्शन आपके गलत हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? ऑप्शन संज्ञा और सर्वनाम की, या फिर संज्ञा एवं विशेषण की, या फिर संज्ञा सर्वनाम एवं विशेषण की, ऐसी इनमें से कोई नहीं। तो आपको डाउट होगा इस प्रश्न में, आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ आप ये गलती ना दोहराइएगा या फिर आप गलती ना कीजिएगा। प्रविशेषण जो होता है वो विशेषण की ही विशेषता जो बतलाते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन आप यहाँ पर देखिए कोई भी ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की बात करें विदिशु स्त्री समादृढ़ होती हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण या फिर सर्वनामक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या फिर परिमाणवाचक विशेषण। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से अगर आप देखेंगे इसमें उनके गुण की विशेषता बतलाई जा रही है। विदुषी स्त्री समादरणीय होती हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न सैंधव किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन है हाथी का, बी है घोड़ा का, सी है नदी या फिर डी है पहाड़। तो आपको पता चाहिए सैंधव जो होगा घोड़ा का पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की बात करें इनमें कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है तम, बी अंधेरा, सी है तिमिर और डी है रुद्र। तो आपको बता दें तम, अंधेरा और तिमिर ये तीनों जो आपके हैं वह अंधकार का पर्यायवाची, लेकिन रुद्र नहीं। रुद्र का अर्थ होता है भयानक या डरावना, और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की बात करें उनके में कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन है कलाधर, बी है रजनीश, सी है मैंक और डी है विहग। तो आपको बता दें बी सी का उत्तर भी ऑप्शन नंबर डी ही होगा, विहग का अर्थ पक्षी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। बाकी तीनों जो आपको चंद्र के पर्यायवाची हैं। 21वें प्रश्न की बात करने में कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है पूछा है? ऑप्शन है सिंह केसरी होगा, हाथी करीवर होगा, सूर्य अंशुमाली होगा या डी यमुना का मंदाकिनी होगा। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर ए बी और सी ये तीनों पर्यायवाची युग्म सही है, लेकिन डी नहीं है, यमुना मंदाकिनी नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला मैं महर्षि तत्व में कौन सा संधि है? ऑप्शन है गुड़ संधि, बी है यड़ संधि, सी है वृद्धि संधि या फिर डी है अयाज संधि। तो महर्षि में अगर संधि की बात करें तो इसमें गुड़ संधि है, महाधन ऋषि, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर 23 है माता पिता शब्द में कौन सा समास है? समास की बात करें ऑप्शन डी है द्विगु समास या फिर द्वंद्व समास, सी है कर्मधारय या फिर डी है बहुव्रीहि। तो माता पिता यहाँ पर दोनों शब्द प्रधान है, बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो आपका कौन समास हो जाएगा? द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर अगला प्रश्न आपका दाम लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन है मूल्य मूल्यांकना, बी है पूरी कीमत देना, सी है लागत मात्र देना या डी है मोल भाव करना। तो दाम लगाना की अगर बात करें तो मूल्यांकना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। अगला और अंतिम प्रश्न रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ताजमहल स्वेदीय का एक अद्भुत नमूना है, शिल्प कला का या स्थापत्य कला का या फिर चित्रकला का या फिर मूर्ति कला का। सिंपल सब प्रश्न उत्तर आपको आना चाहिए। ताजमहल एक यहाँ पर आप कह सकते हैं इमारत की बात की जा रही है तो किस चीज़ का, एक धरोहर की बात की जाए तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? स्थापत्य कला, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। तो ये रहा PPCE का जो एग्जाम होने वाला है उसमें जो हिंदी का सिलेबस दोस्तों, उसमें महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित चैनल से जुड़े रहने के लिए अपडेट तक। जय हिंद।